ब्रिज के नंद लाला, जिनको आता है मेरे साथ कहिए राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम आइए। मीरा पुकारे जब गिरिधर गोपाला, मीरा पुकारे जब गिरिधर गोपाला, हाँ ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन उसे मारे जिसे तूने राख लिया, कौन उसे मारे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आया दुख भारी, जब तेरे गोकुल में आया दुख भारी, एक इशारे से सब विपदा तारी, इशारे से सब विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन जित तूने मोड़ दिया, मुड़ गया गाइए जित तूने मोड़ दिया, आ, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
श्याम बसे। सखी कहती है नैनों में श्याम बसे, मन में गिरिधारी बिसराए गई, मुरली की धुन प्यारी सुन बिसराए गई, मुरली की धुन प्यारी सुन बिसराए गई, मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुबन में रास रचाओ रसिया, मन के मधुबन गाइए रास रचाओ रसिया। हाँ, मन के मधुबन में रास रचाओ रसिया, मन के मधुबन में रास रचाओ रसिया। ये मन तो एक है, ये मन तो एक है, इसमें गोपाल को बसा लो या संसार को बसा लो। माया है दो भांत की, देखी ठोक बजाए, एक मिलावे राम स्यों एक नरक ले जाए। ये मन एक है, अगर संसार के पीछे गया तो नरक में पहुंचना है, अगर गोपाल के पीछे चला गया तो सीधा वैकुंठ धाम की प्राप्ति होनी है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। इसी मनुष्य शरीर से परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। सुख के साधन तो पशु पक्षी को भी मिलते हैं। मैं वृंदावन गया, मैंने देखा एक बहुत गंदा सा नाला बह रहा था और उसमें एक सुअर विचर रहा था। मुझे कहानी याद आई, एक बादशाह शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, उसने ऐसा ही एक दृश्य देखा, उसको उस जीव पर सुअर पर दया आई। ये गंद में पड़ा हुआ है, उसने अपने सिपाहियों को कहा इस सुअर को उठाकर महल में ले चलो। महल के एक आलीशान कमरे में सुअर को बिठा दिया गया, स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए, लेकिन डे बाय डे उस पशु की सेहत बिगड़ने लगी। राजा ने वैद्य को बुलाया और कहा इसका उपचार करो, जब लाया था तब तंदुरुस्त था। वैद्य ने कहा इसे डिप्रेशन आ गया है। कहा इसको डिप्रेशन, काहे का डिप्रेशन, पौष्टिक आहार मिल रहा है, एयर कंडीशन मिल रहा है, सफाई वाला कमरा मिल रहा है, सेवादार इसकी सेवा में लगे हुए हैं, इसको काहे का डिप्रेशन। कहा इसको वो गंदे नाले का डिप्रेशन आ गया है, इसे वहीं छोड़ाओ ये ठीक हो जाएगा। ये एक जानवर की कहानी है और एक मनुष्य जिसे सतगुरु की कृपा से ये बुद्धि मिल जाए, ये ज्ञान मिल जाए कि परमात्मा के चरणों का आश्रय ही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है, उस समय जीव कहता है मन के मधुबन में, हे श्याम सुंदर मेरे मन रूपी मधुबन में, अब आप ही से प्रार्थना करता हूं, रास रचाओ रसिया। मन के पुकारिए रास रचाओ रसिया, हाँ मन के मधुबन में रसिया, मन के मधुबन में हरी हरी रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा